Hi, this is Asad Farooq from Asad Farooq Studio, and here I am at Haleji Lake to tell you about my 10 tips for your wildlife trips. For wildlife photography, it's really important to start off your day as early as possible. क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा वाइल्ड एनिमल्स को विटनेस करने का और लाइट भी सुबह के टाइम बिल्कुल फेवर में होती है। जब भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आएँ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल को कहीं भी फेंक देना इज रियली हार्मफुल फॉर योर वाइल्ड लाइफ। तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, एल्पाइन बियर का वाटर बॉटल होल्डर। इसको आप बड़ी आसानी से अपनी वाटर बॉटल पर लगा सकते हैं and then you can carry your water bottle with you very easily and you can reuse it. Wildlife photography ke liye it's very important to camouflage, kyunki agar aap distracting color ke kapde pehnenge to wild animals aapki presence ko sense kar lenge, to ye weird looking dress wildlife photography ke liye bahut zaruri hai. Wildlife can always surprise you, to kabhi kabhi hame wild animals nazar nahi aa rahe hote lekin sunai de rahe hote hain, तो अपनी आंखों के साथ साथ अपने कानों को भी अलर्ट रखें ताकि आप सही डायरेक्शन में जाके कुछ अमेजिंग वाइल्ड एनिमल्स को विटनेस कर सकें। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स पहले वाइल्ड लाइफ एंथूजियस्ट होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में मालूम होगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज होगी, देन डेफिनेटली आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप वाइल्ड लाइफ को स्टडी करें। हर एनिमल के हिसाब से आपको अपने कैमरा सेटिंग्स को भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स आपको मौका देते हैं पिक्चर लेने का और कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा फास्ट जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई में मूव हो जाते हैं। तो इसलिए यू हैव टू एडजस्ट योर कैमरा सेटिंग अकॉर्डिंग टू द स्पीशी यू आर डीलिंग विद। टू टेक अ स्टनिंग शॉट कभी कभी यू हैव टू वेट अ लॉट, एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पेशेंस इज द की, एंड ट्रस्ट मी इफ यू विल वेट आपके शॉट्स बहुत अच्छे होंगे। वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन एट टाइम्स सिचुएशंस आपकी फेवर में नहीं होती। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आप कैमरे में इन्वॉल्व हो जाएं और कहीं स्लिप हो जाएं और आपकी इंजरी हो जाए, तो अपनी सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें। फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपको बहुत सारे इक्विपमेंट कैरी करना होगा और साथ ही कैरी करनी होगी बहुत सारी चीज़ें फॉर स्पेंडिंग द होल डे इन वाइल्ड लाइफ। सो आई रिकमेंड यू टू कैरी अ बिग बैग जिसके अंदर आपका सारा सामान बहुत आसानी से आ जाए। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एल्पाइन बियर का पिक्सल प्रो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कुछ कैमरा सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कीप योर शटर स्पीड हाई सो दैट यू कैन फ्रीज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल। सेकंड, अपने कैमरा को आप कंटिन्यूअस शटर में रखें सो दैट यू कैन कैप्चर डिफरेंट फ्रेम्स। थर्ड, ऑलवेज यूज द बैक बटन फोकसिंग। फोर्थ, आप अपने कैमरे के सिंगल पॉइंट फोकसिंग को यूज़ करें। एंड फिफ्थ, ऑलवेज शूट ऑन रॉ। एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। जब भी आप किसी वाइल्ड लाइफ ट्रिप पे जाएं, तो मेक श्योर कि आपकी वजह से वाइल्ड लाइफ कभी भी डिस्टर्ब ना हो। आई हैड अ ग्रेट डे एट हालेजी एंड दीज वर माई 10 टिप्स फॉर योर वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।